पता करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना? अरे पास में आके कंधे पे, कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा। नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी, नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहे, कहीं कोई पार्टी ले जावेगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो पवित्र और पूरा सतोपदान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे। कई तो फट से इन बातों को भूल जाते, क्यों है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं। क्या द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए तो बाप से दूर हो गए, तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? हाँ, उनकी निशानी ये दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाप को फट से भूल ही जावेंगे। ऐसे बच्चे फिर सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते भी नहीं है। ऐसे बहुत महारथी भी हैं जो कब सच नहीं बतावेंगे, आधा कल्प झूठी दुनिया चली है तो झूठ जैसे उनके अंदर में जम गया है। क्या कैसा जम गया है? जो कवियों ने भी लिख दिया, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ छबेना। बाप को पोता मिल देंगे तो भी कैसा देंगे? झूठ ही झूठ पोता मिल लिख देंगे। तो इससे भी जो साधारण है वो तो झट चार्ट लिखेंगे, जो महारथी समझे जाते हैं वो तो कब लिखेंगे ही नहीं। उनको तो अपने ज्ञान का ही अहंकार रहता है,